बाहर किले के बाहर जो है वहाँ की मार्केट है ये। अब हम महल से होके अब हम गार में जा रहे हैं। एपेक्स शहर से जो लोग सज़ा उनको मिली थी वो भाग के यहाँ आए थे, और कफ सूरह कफ में उनका पूरा वाक्य बयान है। अभी हम उस तरफ जा रहे हैं जो सात लोग आए थे और उन्होंने वहाँ छुप गए थे, तो अल्लाह मियाँ ने उनकी जो रूह थी वो कब्ज़ कर ली थी, और तकरीबन एक सदी तक वो वहीं पे बंद थे, ख़त्म हो गए थे। एक सदी के बाद उन्होंने अल्लाह मियाँ ने जान डाली और वो ज़िंदा हुए, और फिर वो अपने शहर वापस आए। तो कोई पहचानने वाला नहीं था क्योंकि उनकी पूरी फैमिलीज ख़त्म हो गई थी। ये वो गार है जहाँ पे वो सात आदमी आके छुपे थे। सूरह कहफ में इसका पूरा लिखा हुआ है, आई होप आप पढ़ के पढ़िएगा ज़रूर। ये पूरी पहाड़ी है, तो ये क्योंकि गार थी पूरी, अब तो ऊपर से हट गई है। जब एक सदी के बाद वो लोग अल्लाह मियाँ ने उनको ज़िंदा किया था तो अपने शहर गए, गांव गए। फिर जब उनकी डेथ हुई तो उस वक़्त मुस्लिम बादशाह था, उसने यहाँ पे उनकी कब्रें बना दी थी इसी गार में। आई होप आपको ये जगह पसंद आई होगी। ये पूरी गार है बहुत बड़ी, यहाँ से भी आप देखें क्योंकि यहाँ बंद किया हुआ है तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये हाउसेज हैं उस वक़्त के गार के अंदर। उस साइड पे बंद किया हुआ है, नीचे भी गार है और काफ़ी डीप है नीचे। इतनी चढ़कर आई हूँ मैं, आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो, ज़रूर पसंद आएगी। और सूरह कहफ ज़रूर पढ़िएगा, उसमें इसका पूरा पूरा जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। लंच कर रहे हैं इस एरिए में, बहुत खूबसूरत व्यू है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम लंच कर रहे हैं, खूबसूरत बना हुआ है। बहुत खूबसूरत व्यू, डिफरेंट। रोटी पक रही है यहाँ की, enkaz çalışmalarını takip ediyoruz. Tunç Soyer'in açıklamaları böyleydi. Tabii onun üzerinden dakikalar geçti. Biz son durumu güncelleyerek devam edelim. Sen buraya...
हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी जलजला आया है इजमीर में, तो इजमीर के बाहर ही हम पहाड़ी इलाके में थे तो यहाँ इतना जलजला नहीं आया, लेकिन शहर की तरफ काफ़ी जलजला आया है, बहुत तबाही हुई है और यहाँ भी काफ़ी झटके महसूस हुए हमें। बस अल्लाह मियाँ रहम फरमाए सबके ऊपर। ये अभी हमें जाना था जहाँ बीबी मरियम ने स्टे किया हुआ था लास्ट, मतलब जब वो यहाँ पे आई थी तो इस पहाड़ी पे उन्होंने स्टे किया था। उनका पूरा घर भी बना हुआ है और जलजले की वजह से वहाँ पुलिस खड़ी भी है तो हमें ऊपर जाने नहीं दे रही। तो अभी हम जो है वो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं मस्जिद का विज़िट आपको करवाती हूँ। आए चलते हैं मस्जिद की तरफ। ये हम मस्जिद पे आ गए और ये मस्जिद जो है वो बीबी मरियम के नाम पे है, इज़ाबेल इसका नाम है और ये उस्मान गाजी के बेटे ने मस्जिद बनवाई थी और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी बनी हुई है अंदर से। और जब वो इस इलाके में आए थे फतह करके आके यहाँ रहे थे तो उन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी उस वक़्त। और आए चलते हैं मस्जिद का अंदर से विज़िट करते हैं। ये पूरी मस्जिद है जो अभी थोड़ी डिस्ट्रॉय हो गई है, उसको ये ठीक कर रहे हैं। Every day, Christian atheist people came here from Europe, from other countries. We are sharing these books, pamphlets with them. वो हमारी बस है, ये पूरा मस्जिद है, चारों तरफ पहाड़ है यहाँ पे। ये इजमीर एयरपोर्ट है, ये इजमीर एयरपोर्ट है। अभी हम बोर्डिंग पास लेने जा रहे हैं।
कश्मीर एयरपोर्ट है ये, और हमारा बोर्डिंग पास हमें मिल गया है। हमारी फ्लाइट 2 घंटे बाद है। तो यहाँ इसीलिए जल्दी आ गए क्योंकि इजमीर में आपको पता है अर्थक्वेक हुआ है, जलजला आया है, जिसकी वजह से हम शहर में नहीं जाने दिया गया हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। 6 बिल्डिंगें तकरीबन नीचे गिरी हैं और उसकी वजह से हम नहीं जा पाए अंदर शहर के। बाकी जो कुछ बाहर की साइड पे हमने देखा था वो मैंने वीडियो अपलोड करूँगी मैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। और अभी हम वापस जा रहे हैं इस्तांबुल, और इंशाल्लाह आपको इस्तांबुल की वीडियोस मैं दोबारा अपलोड करूँगी जहाँ जहाँ भी जाऊँगी। और मेरी ये इजमीर की जो वीडियो है पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और जो अर्थक्वेक में फंस गए हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा, और उनकी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह मियाँ उनको सब्र अता फरमाए, आमीन। हमारा जहाज का टाइम हो गया है, अब हम इस्तांबुल के लिए जा रहे हैं। ट्यूब है और ये हमारा एरोप्लेन है जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह 1 घंटे में हम इस्तांबुल पहुँच जाएंगे। जी व्यूअर्स, अभी हम जहाज़ के अंदर आ गए हैं और अभी हम सन एक्सप्रेस में आए हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं इस्तांबुल, और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द 1 घंटे के अंदर अंदर हम इस्तांबुल पहुँच जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, और इंशाल्लाह मैं अभी इस्तांबुल का जो विज़िट करूँगी वो आपको मैं पूरा व्लॉग हर अलग अलग पार्ट्स में आपको मैं व्लॉग दिखाऊँगी। और पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और सब जलजले में जो भी मुतासर हुए हैं उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, और उनको दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।